ओम शम शनिश्चराय नमः। सभी ग्रहों में उत्तम ग्रह शनि देव के ग्रह को माना गया है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, जो कि जो भी इंसान गलतियां करता है उसके गलतियों को ठीक करना ही शनि देव का काम है, और वो उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। सभी ग्रहों में उत्तम ग्रह शनि ग्रह को माना गया है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना के इस्लामगंज में स्थित शनि देव मंदिर में, जहाँ हम आपको शनि देव की महिमा के बारे में बताएंगे और इस मंदिर की ऐतिहासिक और प्राचीनता के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमारे साथ मंदिर के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो यहाँ पे जुड़ने लगे, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं मंदिर की ऐतिहासिक और प्राचीनता के बारे में। जय शनि महाराज। ये मंदिर यहाँ पर करीब सन 2000 के करीब से अपनी जगह पर विराजमान है। शनि महाराज की स्थापना भी 2000 में हुई थी। पहले यहाँ पर एक पीपल था मंदिर में, धीरे धीरे ये विशाल रूप लेता हुआ मंदिर बन गया। हर शनिवार यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। मंदिर में पहले तो हर शनिवार को मंदिर में लंगर भी लगाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के कारण उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शनिवार को भक्तों की संख्या भी होती है, शनि अमावस, शनि जयंती और जितने भी कार्यक्रम शनि महाराज से संबंधित हैं वो इस मंदिर में मनाए जाते हैं। शनिदेव मंदिर के पंडित जी शिव शंकर मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए इनसे बातचीत करते और मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के बारे में जानते हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी, अगर हम मंदिर की प्राचीनता के बारे में बात करें तो मंदिर कितना प्राचीन है? लगभग 86 का है ये मंदिर जी। और यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था छोटा सा, तो उसी का थड़ा बनाने लगे थे, तो वो हमारे ना एक सेवक थे सुगना राम, वो थड़ा बनाते बनाते उनको उसी मिट्टी में ना वो शनि देव की प्रतिमा एक मिली थी लोहे की, और फिर वो प्रतिमा को रख के और वहाँ थड़ा बन गया और लोगों ने वहाँ पूजा पाठ और तेल चढ़ाना दिया जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेड़ तो गया सूख, तब पेड़ सूखने के बाद फिर यहाँ ये हुआ कि भाई अब ये शनिदेव का प्रतिमा बनाई जाए, मूर्ति रखी जाए, ले आया जाए। फिर जयपुर से मूर्ति ले आए, वहाँ थड़ी बनवाई, जगह बनवाई, उसी लोहे की प्रतिमा के ऊपर वो थड़ी बना के उस पर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना करी गई है। काफ़ी इसका अच्छा लोगों में रिस्पांस है, लोगों को इसकी शक्ति का भी एहसास हो रहा है, भक्ति का भी हो रहा है और काफ़ी लोगों का सुधार हुआ है। सबसे बड़े तो इस इलाके में नशेड़ी बहुत थे, बहुत कम हुए, चोरी डकैती बदमाशी ये सब कम हुआ। इस प्रतिमा का इतना रेज है, इतना प्रभाव है
कि इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, लोगों की शक्ति नाल ही है सारा ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, सब कुछ भवन बना है, ये लोगों की शक्ति से, लोगों के एक एक रुपये के दान से ही बना है। इस दान के पैसे को हम अपने ट्रस्ट में जमा करते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा होता है साल दो साल बाद उसका निर्माण कार्य करा देते हैं। आपने अभी हमें मंदिर की ऐतिहासिकता और प्राचीनता के बारे में बताया, तो जो लोग आते होंगे, जो भक्तजन आते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपसे अपनी कहानियाँ साझा करते होंगे कि उनको क्या कुछ उन पर प्रभाव पड़ा है या फिर क्या कुछ उन्हें शक्ति देखने को मिली शनिदेव की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, श्रद्धा में शक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान जो होता है उसको ज्ञान मिलता है, जो श्रद्धा से आता है। कईयों की आंखें ठीक हुई हैं, कईयों को पेट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है, कईयों को चक्कर आते थे, कई तरह के नशे करते थे, पत्ते करते थे, बदमाशी करते थे, सब ठीक हुआ है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, लोगों को मतलब सन्मार्ग पर चलने की शक्ति मिली है, काफ़ी कुछ हुआ है। यहाँ सामने मंदिर है महादेव जी का, वहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, रोज़ सुबह 6:30 बजे रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद 7:30 बजे यज्ञ होता है, और उस यज्ञ से और रुद्राभिषेक से काफ़ी लोगों को फायदा है, काफ़ी ज्ञान मिलता है। ज्ञान मान तभी होता है जब श्रद्धावान हो, श्रद्धावान बंदे आते हैं और ज्ञान लेके जाते हैं, और उन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको पता लगता है कि हाँ कुछ हमारा धर्म भी है, हमारे धर्म में ये है, ये शक्ति है, ये ताकत है, ये पावर है, उससे उनको फायदा होता है। बहुत है, एक लड़की किसी पिंड से गाँव से आई थी, काफ़ी बीमार थी वो, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, डॉक्टर दुखी हो गए थे, मेरे पास आए थे कुंडली दिखाने, मैंने कहा यार छोड़ परे उसको ले आके यहीं रख दे, वो 2-3 दिन यहीं रही और वो ठीक हो गई। एक क्या नाम है अपना सोनीपत के मोतीराम तम्बाकू वाले थे, उनकी भतीजी थी बीमार थी, वो भी लेके आए थे और उन्होंने भी कई जगह धक्के खाए थे, लेकिन आए और यहाँ पूजा वूजा करवाई और उसका कल्याण हो गया, उसकी शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, सब इसी कृपा से हुआ। तो शनिदेव जो हैं उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, और जो शनिदेव की जो कृपा है वो अक्सर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन हर शनिवार को आकर उन्हें तेल चढ़ाते हैं, तो शनिदेव को जो तेल चढ़ाया जाता है वो क्यों चढ़ाया जाता है? शनिदेव की आँखों से ना नीली रोशनी, जैसे सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो पिता का गुण कुछ पुत्र के अंदर होना चाहिए। अब पिता का गुण है कि उनके अंदर से मतलब पीली रोशनी निकलती है, केसरिया रोशनी निकलती है, और समाज को कल्याण और त्याग करने की शक्ति बताते हैं, क्षमता देते हैं। उसी तरह शनिदेव महाराज के आँख से नीली रोशनी निकलती है, नीलवर्णा, और वो उस नीली रोशनी में गर्मी है, ताकत है, शक्ति है। जिस तरह सूर्य की तेज में किरणों में शक्ति है, उसी तरह शनि के किरणों में शक्ति है। तो उनकी आँख से जो नीली रोशनी निकलती है उसको शांत करने के लिए उनके आँख के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है, ना कि शरीर के ऊपर चढ़ाया जाता है, कि वो तेल से उनकी जो रोशनी है वो शांत रहे और हमारे अंदर सत्य प्रवृत्ति की स्थापना करे, दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करे। अगर ये रोशनी हमारे अंदर एंटर करे तो दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए करे, सत्य प्रवृत्ति की स्थापना करे। जी, हम बात करें शनि की ढैया और साढ़े साती की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ढैया और साढ़े साती कुछ नहीं है, ढैया और साढ़े साती बहम है, बहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ढाई 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 3 बार हो गया, 7.5 हो गया, यही ढैया है, यही साढ़े साती है, कुछ और नहीं है, एक्स्ट्रा आउट कुछ नहीं है। शनि महाराज देते हैं, लेते कुछ नहीं है। शनि महाराज ये कहते हैं कि हमारे बुरे काम मत करो, चोरी जारी जुआ शराब मांस अंडा व्यभिचार दुराचार ये मत करो, हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे, हम तुम्हारा भला ही करेंगे। अगर ये करोगे तो वो दंड देंगे, क्योंकि दंडाधिकारी हैं, ये जज हैं, ये पावर इनके पास मिला हुआ है, ये देंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इससे बचाव हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
तो जैसा कि आपने शनिदेव की इस मंदिर की महिमा के बारे में जाना कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके जो दुख तकलीफ़ें हैं वो दूर हुई और यहाँ पर आके उन्होंने जो भी मनोकामनाएं मांगी वो भी पूरी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो मंदिर की कितनी ज़्यादा महिमा है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जिसके कई ज़्यादा रहस्य भी हैं और कई ज़्यादा महानताएँ भी हैं, उनमें से ये एक मंदिर है शनिदेव का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने इलाका निवासियों में, जो यहाँ के जो इलाका निवासी हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त जन श्रद्धा भावना से आते हैं उनकी सारी मनोकामना और इच्छाएं पूरी होती है और उनके ऊपर जो भी दुख तकलीफें होती है वो भी समाप्त हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो जानकारी है ये पसंद आई होगी और आप ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चलन। कैमरामैन सलमान के साथ नलिन।